भारत में ऑनलाइन गेम आर के लिए अच्छी खबर है। बीजीएमआई 90 दिनों के लिए भारत आ रहा है। क्राफ्टन ने घोषणा की कि बीजीएमआई वापस आ रहा है और गेम जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने भारत में बीजीएमआई को फिर से लॉन्च करने की अनुमति देने के लिए भारतीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया। जबकि क्राफ्टन ने अभी तक एक पूर्ण लॉन्च तिथि की घोषणा नहीं की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गेम iOS और Android पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। जिनके पास पहले से ही उनके डिवाइस पर गेम इंस्टॉल है, उन्हें एक नोटिस दिखाई दे सकता है जिसमें लिखा है, सवा अभी ऑनलाइन नहीं है। BGMI की मुख्य कहानी इस प्रकार। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI को चीनी से जुड़े ऐप से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के कारण पिछले साल भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंध के महीनों बाद भारत में इसकी संभावित वापसी के बारे में अफवाहें रही है और अब एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि BGMI वास्तव में शर्तों के साथ भारत वापस आ रहा है। BGMI भारत में प्रतिबंधित है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 3 महीने के लिए BGMI पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से BGMI को अनब्लॉक करने के लिए एक आदेश जारी करने की योजना बना रहा है। प्रकाशन में कहा गया है कि यह जानकारी मेटी के एक शीर्ष स्तर के अधिकारी से मिली है। हालांकि यह भारत में BGMI के लिए एक टेस्ट बेड अधिक होगा क्योंकि 3 महीने की अवधि के दौरान गेम का विश्लेषण और निगरानी की जाएगी। साथ ही अगर ऐप देश के किसी भी नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे फिर से बैन कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि BGMI अधिक परिवर्तन और समायोजन के साथ वापस आ गया है। अफवाहें बताती हैं कि एक समय सीमा होगी और खेल खेलने के घंटों की संख्या पर प्रतिबंध होगा। क्राफ्टन खेल में रक्त के रंग को बदलकर खेल में हिंसक ग्राफिक्स को कम करने की भी योजना बना रहा है। जब BGMI भारत में उपलब्ध था, खिलाड़ी रक्त के रंग को लाल और हरे रंग में बदल सकते थे, लेकिन अब यह डिफॉल्ट रूप से सेट होने जा रहा है। भारत में BGMI की वापसी पर क्राफ्टन या केंद्र की ओर से अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ऐसी खबरें महीनों से चल रही है। लेकिन इसके प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी यह देखना दिलचस्प है कि BGMI भारत में परिचालन कैसे जारी रखता है, यह देखते हुए कि यह रडा के तहत होगा और जिन शर्तों पर इसे सहमत होना होगा। BGMI भारत में सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम्स में से एक है, जिसके यहां 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है। BGMI खुद पबजी मोबाइल का एक अनुकूलित संस्करण था जो भारत में प्रतिबंधित चीनी ऐप्स की पहली लहर का हिस्सा था। खेल को देश के आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन करते हुए समायोजन के साथ संशोधित किया गया था, लेकिन अभी भी सुरक्षा मुद्दे थे जिसके कारण इसे देश के सवा और एप स्टोर से हटा दिया गया था। प्रशंसकों को उत्साहित रखने के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इंस्टाग्राम हैंडल ने भी आज एक टीजर जारी किया जिसमें लिखा था, सूचनाओं को चालू करने का समय आ गया है। अंत में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा ट्रेंडिंग इंडिया में एक पल भी न चूकने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें।